900 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। लगभग 900 लाख करोड़ की संपत्ति, केवल संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। अगर आदिवासियों को इन्वॉल्व कर लिया होता ह्यूमन कैपिटल में उन पर डेवलप करके, तो ये जो 5,799 लाख करोड़ है वो भी उसमें से 70% नहीं तो कम से कम 8-9% पॉपुलेशन है उतना ऐड होगा, यानी 500 लाख करोड़ ऐड होगा। 900 500 यानी 1400, यानी लगभग 1500 लाख करोड़ रुपया भारत में, जब भारत फुल्ली डेवलप्ड होगा तो वह आदिवासियों के पास रहना चाहिए। यह इकोनॉमिक कैलकुलेशन है देश का। लेकिन अब आदिवासियों के डिस्पोजेस किया जा रहा है, राइट्स को जो है वो ट्रैम्पल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे दो ही कारण, तीसरा और कोई कारण नहीं। मैंने ट्राइबल्स लोगों को कहा कि ये जो षड्यंत्र ब्राह्मणिज्म का चल रहा है वो आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र है। क्या गैर आदिवासी बनाने का षड्यंत्र है, दो चीजें। एक, जो आदिवासी हिंदू कभी नहीं था भारत के अंदर, अगर वैदिक ब्राह्मणिक आइडेंटिटी को, कल्चर को अगर सबसे बड़ा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है चैलेंज के रूप में, प्री वैदिक सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लिविंग एविडेंस कहीं है तो वो आदिवासियों का कल्चर, लिविंग एविडेंस। दलित का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, बनी राजा बोलने से आप प्रूव नहीं कर सकते, सारण के जी प्रूव नहीं कर सकते, लिविंग एविडेंस बनी राजा का है। लेकिन आदिवासियों ने अपना कल्चर संभाल के रखा, दलित का कल्चर, क्योंकि तीन तरह के ट्राइब्स हुए, फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड हिल ट्राइब्स, ब्रोकन ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड क्रिमिनल ट्राइब्स। तो जो ब्रोकन ट्राइब्स है अस्पृश्य, और नोमैडिक ट्राइब्स एंड क्रिमिनल ट्राइब्स है टीटीएन, इनका कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर के साथ में असिमिलेशन हुआ। भले ही बुद्ध का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर एक नया कल्चर आया, हम सब जानते हैं, फिर काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, कल्चरल असिमिलेशन हुआ। लेकिन आदिवासियों के साथ एक ही खास बात कि आदिवासियों का कल्चरल असिमिलेशन नहीं हुआ, और इसी वजह से आरएसएस के लोग ब्राह्मणिज्म की यह कॉन्स्पिरेसी है। क्या कॉन्स्पिरेसी है, दो ही कॉन्स्पिरेसी। एक, आदिवासी को हिंदू बनाया जाए। हिंदू बनाने से क्या होगा, जो हिंदू नहीं था तो वैदिक कल्चर के लोगों को यह बोलने के लिए हो जाएगा कि भारत के सभ्यता की इतिहास ये वेदों से होती है, यह उनके लिए इजी हो जाए। दूसरा, ये किस लिए झगड़ा चल रहा है, दूसरा झगड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि आदिवासियों के पास ये 900 लाख करोड़ की संपत्ति है, और अगर कल आदिवासी के जंगलों में रोड बन गया, स्कूल्स बन गई, कम्युनिकेशन बन गए, अगर उनको फिफ्थ शेड्यूल सेक्स शेड्यूल में, पैसा लॉ में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अगर पूरे राइट्स मिले, और जैसा मैं कह रहा हूं कि आदिवासी को शेयर होल्डर बनाओ, जैसा मैं कह रहा हूं आदिवासी को शेयर होल्डर बनाओ, और मेरे कहने के बाद ही 2013 में शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इस बात को माना और ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा कि स्वीट इक्विटीज देना चाहिए आदिवासियों को, मेरे कहने के बाद ही कहा। मैं 2007 से इस बात को कह रहा हूं, उसके बाद नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इस बात को कहा। तो ये संपत्ति को उन्हें ब्राह्मण बनिया को ट्रांसफर करना, ये संपत्ति को उन्हें ट्रांसफर करना, दो ही कारण है, ज्यादा कारण नहीं है। उसके लिए मेथड अलग अलग यूज की जा रही है, लेकिन कारण दो ही है। एक, आदिवासी को गैर आदिवासी बनाओ यानी हिंदू बनाओ, और दूसरा, आदिवासी की संपत्ति को क्या करो, उसको वंचित करो, उसको राइट्स मत दो। ये दो ही षड्यंत्र है, लेकिन हमने इनके एक षड्यंत्र को कंट्रोल किया। कैसे कंट्रोल किया मैं आपको बताना चाहता हूं। 2011 का संसद उठा के देख लो, 2001 का सेंसस उठा के देखो, 2001 के सेंसस और 2011 के सेंसस में आपको बेसिक डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में
चार लाख आदिवासियों ने अपने धर्म को यह आदिम धर्म लिखाया, आदिवासी धर्म लिखाया, उन्होंने ये लिखाया कि हम हिंदू नहीं है, ये अंग्रेज की वजह से हुआ और हमें क्या एक पार्टी ऑफ इंडिया तो बाद में बनी, लेकिन संघ अंग्रेज की वजह से हुआ। एक धर्म को हमने कंट्रोल किया। अब देश में जो 10 करोड़ आदिवासी है उनको हम कन्विंस करेंगे, उनको लिख बताएंगे कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं था, तो आप हिंदू क्यों लिखा रहे सेंसस में? 2001 जब 21 का सेंसस होगा हम उनको समझाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के आदिवासी इस बात को समझ रहे हैं और 2021 के सेंसस में ये पॉपुलेशन काफी और बढ़ेगा। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए ये हमको सोचने की जरूरत है। 2021 में बौद्धों का पॉपुलेशन क्या होना चाहिए ये हमको सोचने की जरूरत है। इसके ऊपर में मैं आज बात नहीं करूंगा, अभी इस साल जब मार्च के बाद में जब दम दीक्षाएं होंगी तो उसमें बात करूंगा, आज इस पे बात नहीं करूंगा।